हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कौशल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं और ये सभी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप सभी को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 27 मीटर है, इसका परिमाप 214 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इसका दो फॉर्मूला आपको यहाँ पे मालूम होगा। पहला तो यहाँ पर देखिए, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। दूसरा, यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है तो आपको परिमाप का भी पता होना चाहिए। तो जब भी आयत का क्षेत्रफल आप निकालें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आप एग्जाम में इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा था कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है, 27 मीटर है। तो हमने यहाँ पर लंबाई को एल माना है और चौड़ाई को क्या माना है, बी माना है। तो L माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, 27 मीटर दे रखा है। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, पहला समीकरण है। फिर कहता है कि इसका जो परिमाप है 214 मीटर है। अब देखिए, परिमाप का फॉर्मूला हमने क्या बताया, 2 × L + b, यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये इसके बराबर कितना दे रखा है, तो इसके बराबर आपका 214 है, यहाँ पर 214 होगा। अब इससे हम क्या करते हैं, इस दो से यहाँ पे कैंसिल करते हैं, तो दो से जाएगा एक बार में, फिर जीरो, फिर सात, यानी कि L प्लस बी का मान यहाँ पे आपका कितना आ गया, 107 आ गया। ये आपका समीकरण टू है, यानी दूसरा समीकरण है 107। अब हम करते हैं तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, L और L मिलके हो जाएगा आपका 2L, और 2L बराबर यहाँ पर 7 और 7 हो गया 14 का 4, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1। अब इससे हम कैंसिल करते हैं तो 2 से जाएगा ये 6 बार में, फिर आपका 1 बचेगा और 4 है तो 14 है, तो 2 × 14 यानी कि लंबाई बराबर आपका कितना निकल गया, 67 निकल गया। आपको लंबाई यहाँ पे पता चल गया, अब आपको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई वाला जो यहाँ पर वैल्यू आया है यहाँ पर हम रख देते हैं लंबाई बराबर, तो यहाँ पर अगर हम 67 रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर माइनस में चौड़ाई है तो बी आपका उस साइड चल जाएगा, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, और ये 27 जो है आपका इस साइड चलाएगा। तो 67 में से जब 27 आप माइनस करेंगे तो चौड़ाई बराबर आपका कितना आएगा, 40 मीटर आएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको चौड़ाई भी पता चल गया और लंबाई भी पता चल गया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 67 को आपको 40 से गुना करना होगा। जब आप गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 2680, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 3 में, 2680 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक आप यूज नहीं कर सकते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपको बेसिक से सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। तो आप सभी को अगर समझ में आ गया हो तो आपको कमेंट करके हमें बताना है आपको समझ में कितना आया, 75%, 80%, जितना भी आया हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक नाव जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है, यदि धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तब नाव धारा की दिशा में 336 किलोमीटर जाने में लगा समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इजी है बट कुछ लोग तो इसे स्किप कर देते हैं एग्जाम में। अब मैं बताता हूं कैसे आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, नाव का चाल आपको दे रखा है, तो नाव का जो चाल है आप यहाँ पर नाव को x मान लीजिए, इसका चाल आपको कितना दे रखा है, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहां पर धारा है तो धारा को आप यहां पर y मान लीजिए, तो धारा का चाल है 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, दो बात मैं यहां पे आप सभी को बताने वाला हूं, एक तो होता है अपस्ट्रीम और एक होता है आपका डाउनस्ट्रीम। ठीक है, एक होता है आपका अनुकूल और एक होता है आपका प्रतिकूल। अनुकूल में क्या होता है कि अनुकूल में चाल आपस में प्लस हो जाता है, इतना आपको याद रखना है, अनुकूल में आपका चाल आपस में प्लस हो जाता है। क्यों होता है प्लस, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और प्रतिकूल में
इसका जो चाल है आपस में माइनस हो जाता है। ये आप अगर आपको याद रहा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन नाव और धारा वाला रहेगा, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अनुकूल का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। ये हमारा नदी है, ठीक है, और नदी का जो बहाव है इस साइड है, और मेरा नाव भी जो है इस साइड चल रहा है। तो जब दोनों एक ही दिशा में चलेगा तो नाव का चाल और जो धारा का चाल है आपस में प्लस हो जाता है, यानी जुड़ जाता है, तो वो हुआ अनुकूल। और प्रतिकूल होता है नाव का जो चाल है हमारा इस साइड से है और धारा का चाल हमारा इस साइड से है, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में है। जब विपरीत दिशा में होगा तो वह होता है प्रतिकूल। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा था कि तब नाव धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों का चाल तो आपस में प्लस हो जाएगा। जब दोनों का चाल आपस में प्लस होगा तो 16/8 कितना होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अब नाव उस नदी में जा सकता है, क्योंकि नदी और जो नाव का चाल है दोनों आपस में प्लस हो गया है। तो इस जो ये 336 किलोमीटर है, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये नाव इस चाल को कवर करेगा, यानी कि दूरी को कवर करेगा। तो इससे जब आप कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा आपका 14/12 में, यानी कि 14 घंटा टोटल समय लगेगा इस दूरी को कवर करने में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेसिक अगर नाव और धारा का क्वेश्चन का अगर मालूम है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होता है। आप लोग जो समझते हैं कि एक्स प्लस वाई वाई टू होता है, एक्स माइनस वाई वाई टू होता है, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब आपको मालूम होगा कि ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई क्यों हुआ। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी साधारण ब्याज दर पर राशि 20 वर्षों में दो गुना हो जाता है। अब देखिए कोई राशि है, मान लेते हैं राशि 100 रुपये होगा, 20 वर्षों में ये राशि क्या हो जा रहा है, 200 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, दो गुना हो जाता है, तो दो गुना का मतलब क्या हो गया, 200 हो जाता है 20 वर्षों में। तो जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो आपको बेसिक इसमें यूज़ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दो गुना कर रहा है तो 2-1 कीजिए, और बट्टे में आपको क्या करना है, कितना वर्ष दे रखा है, 20 वर्ष, तो 20 वर्ष आपको यहाँ पे डाल देना है और इनटू कर देना है आपको 100। ठीक है, तो दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, आपका एक बचेगा, और नीचे आपका कितना है 20 है और इनटू आपका 100 है, तो 20 से जाएगा ये 5/12 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5%। ठीक है, 5% ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर यहीं पर कहता कि तीन गुना हो जाता है, यहाँ पर तो दो गुना है, अगर यहाँ पे तीन गुना रहता तो हम क्या करते हैं, तो तीन गुना में भी आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस वन कर देना है। तीन गुना रहे, चार गुना रहे, पांच गुना रहे, जितना भी गुना रहे उसमें से माइनस एक कर देना है, और नीचे जितने वर्षों में हो जा रहा है ये राशि दो गुना तीन गुना या चार गुना, वो आपको नीचे रख देना है और इंटू कर देना है 100। तो आपको जो है आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका आयु से संबंधित क्वेश्चन है। कहता है कि पति की आयु से दो गुना और पत्नी की आयु से तीन गुना का योग 166 है, 166 है। यदि उनकी आयु का अंतर 3 वर्ष है तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पति का आयु है तो पति को हम यहाँ पर हस्बैंड मान लेते हैं, तो एच, और यहाँ पर जब पत्नी है तो पत्नी को हम यहाँ पर वाइफ मान लेते हैं। ठीक है, कहता है कि जो पति का आयु है वो दो गुना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 2h कर देते हैं, और प्लस यहाँ पर कह रहा है कि पत्नी का जो आयु है उसका तीन गुना, तो 3w बराबर कितना है 166 है। तो ये आपका समीकरण हो गया फर्स्ट। फिर कहता है कि उनके आयु का अंतर कितना है 3 है, तो h माइनस डब्ल्यू बराबर कितना है 3 है, ये आपका समीकरण हो गया 2। तो हम किसी एक को यहाँ पर इक्वल करेंगे, या तो हस्बैंड को हम इक्वल करेंगे या तो हम वाइफ को, तो चलिए हम हस्बैंड को यहाँ पर इक्वल कर लेते हैं। तो 2 से गुना इधर भी करेंगे और 2 से गुना हम इस साइड भी करेंगे, तो 2 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा ये, और माइनस आपका 2w हो जाएगा, और बराबर में आपका 3×6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपका प्लस में है तो इसे हमको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे इसे माइनस करना होगा, इसे प्लस करना होगा, इसे हमको माइनस करना होगा।
तो ये 2h प्लस में है और ये 2h माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 3w है और ये आपका 2w है, तो दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5w हो जाएगा। और बराबर में 166 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 5 से जाएगा ये कितने बार में, 32 बार में जाएगा। तो जो वाइफ का आयु है कितना है, 32 वर्ष है। और कहता है कि जो उनका आयु का जो अंतर है कितना है, 3 वर्ष है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वाइफ के सामने हम यहाँ पर 32 वर्ष रख देते हैं। जब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उनके आयु का अंतर 3 वर्ष है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसका हस्बैंड होगा वाइफ से 3 वर्ष बड़ा ही होगा, तो हस्बैंड कितने वर्ष का हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा आपका 35 वर्ष का। तो दोनों को जब आप प्लस करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था कि उनके आयु का योग क्या होगा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कह रहे होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन क्या एनटीपीसी एग्ज़ाम में आएगा। तो आप सभी लोग पहले अच्छे से आप लोग सुन लेना, इसी तरह का क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 एग्ज़ाम में रहेगा, क्योंकि आपका ये प्री लेवल का एग्ज़ाम है, 20 गुना जो है लड़कियों को भी यहाँ पर लेना है, तो क्वेश्चन तो इसी तरह का रहेगा। अगर आप ज़्यादा मॉडल लेवल का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं वो भी सही नहीं है, आप जो एग्ज़ाम रिक्वायर है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को आप पढ़िए और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका अगर समय बचा तो आप सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मैथ का सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जितना भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको बताया है, अगर किसी में भी 1% का भी अगर डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। आपको क्या करना है, टेलीग्राम में सबसे पहले जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है कौशल स्टडी। कौशल स्टडी सर्च करेंगे तो हमारा जो चैनल है वहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है और ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।